बार बार जब मैं गुजरात में आता हूँ तो मेरे अंदर और संकल्प पैदा होता है कि गुजरात के स्कूलों के लिए काम करना है, गुजरात में सबके लिए, गुजरात के हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए। और अब गुजरात के लोगों को, गुजरात के पेरेंट्स को उम्मीद लगने लगी है कि जैसे दिल्ली में हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल हैं, वैसे ही गुजरात में भी हो सकते हैं, 5 साल में हो सकते हैं। भाजपा ने 27 साल में कुछ नहीं किया और अब जब लोग वोट देने को तैयार हैं स्कूल के लिए और अच्छे स्कूल के लिए, तो भाजपा के लोग CBI ED सबका दुरुपयोग करके मुझको यहाँ आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई में ताकत होती है और अंत में जीतेगा सच, इनकी सारी साजिशें नाकाम होंगी और गुजरात में भी इस बार वो सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में जो गुजरात के सब स्कूलों को अच्छा करेगी, हर बच्चे के लिए अच्छे एजुकेशन। सर, आपने CBI के बारे में एलिगेशन लगाए थे, उस पर CBI मना कर रही है, ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, कोई बात आपसे CM को लेकर या आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने नहीं कही है, गलत बता रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में ED और CBI का दुरुपयोग कर रही है, उस समय ये बात किसी से छिपी नहीं है। और पिछले 2 महीने से मेरे घर में रेड डाल ली, सब कुछ तलाश लिया, बैंक लॉकर तलाश लिए, गाँव जाके मेरे तलाश लिया, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी मुझे अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है।